नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चे जो है लाइव क्लास में जुड़ गए होइएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखे थे वेक्टर में, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग देखे थे कि आर बराबर जो होता है वह रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। जब हम बताए थे कि थीटा आपका जीरो डिग्री हो तो आर मैक्स का जो मान होता है, इसका महत्तम मान जो होता है वह ए फैक्टर प्लस बी फैक्टर के इक्वल होता है। और देखे थे हम लोग कि थीटा जब आपका 180 डिग्री होता है तो आर मिनिमम का जो मान होता है वह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल होता है। ये बात आप लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब जस्ट इसके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे, तो चलिए आगे और शुरू किए जाए। यहाँ तक आप लोग बना लिए हुए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि इफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर एंड मॉड पी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू मॉड आर वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। कि यदि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर हो तथा मॉड पी वेक्टर बराबर मॉड क्यू वेक्टर बराबर मॉड आर वेक्टर हो, तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण निकालें। बीच का कोण निकालें कि कितना होगा, पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ही करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाकर के आप लोगों को लाइव क्लास लेने में हमें सुविधा होगी। देखिए P वेक्टर और Q वेक्टर बराबर R वेक्टर है और इन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो आपको जब दिया हुआ है कि मॉड P वेक्टर बराबर मॉड Q वेक्टर बराबर मॉड R वेक्टर, इसको आप x मान लीजिए, मॉड P को केवल P लिख सकते हैं, इसको क्यू लिख सकते थे, मोड से बाहर जैसे ही वेक्टर निकलता है ना उस पर से वेक्टर का चिन्ह हटा लिया जाता है, इसको आर कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे। अगर आप इसको वर्ग कर देते हैं तो आप कहेगा कि पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब आप यहां से देखिए कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है आर वेक्टर के बराबर, दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। अब आप इसका सूत्र जानते हैं कि रूट अंदर इसका सूत्र होता है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। कल हम आपको बताएंगे कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान कितना होता है। यह r को वर्ग कीजिएगा तो यहां r r हो जाएगा, इसे तो रूट में है, मॉड r का मान हो गया r। अब वर्ग कर दीजिएगा तो इससे इधर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अंडर स्क्वायरिंग, वर्ग कर दीजिए आप लोग। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, मान रखिए पी स्क्वायर का मान हो गया आपका एक्स स्क्वायर, इसका भी मान हो गया आपका एक्स स्क्वायर, यह x है यह x है तो 2x स्क्वायर हो गया इनटू cos थीटा इज इक्वल टू r का मान भी है x स्क्वायर। अब आप हल कीजिए तो x स्क्वायर आपका कट गया तो 2x स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू यह उधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर तो कट गया तो cos थीटा बराबर हो गया माइनस 1 बटा 2 कॉस में माइनस एक बटा दो 120 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा आप लोग, इसलिए थीटा बराबर हम लोग कहेंगे कि 120 डिग्री होगा। याद रखना होगा कि कॉस 120 डिग्री का मान जो होता है वह माइनस एक बटा दो होता है। त्रिकोणमिति में इस बात को सिखाएंगे कि पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। बन गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप लोग, देखिए
इफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर वेक्टर एंड मोड पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू मोड आर वेक्टर ऐसे है मोड देन फाइंड द एंगल बिटवीन P vector and Q vector समझिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि P vector plus Q vector is equal to R vector तथा mod P vector plus mod Q vector बराबर मोड आर वेक्टर तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण निकालें बीच का कोण निकालें एक क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आर है और मोड पी वेक्टर प्लस मोड क्यू वेक्टर बराबर मोड आर वेक्टर है तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण निकालना है अब समझिए इसको पहले देखिए पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर दिया हुआ है तुरंत उस सूत्र पर जाइए जो आपको कल सिखाए हैं दोनों ओर मोड लगा देना है मोड लगाइएगा तो इसका सूत्र हो गया कि रूट अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हो गया और इसका हो गया आपका r क्योंकि मोड r वेक्टर से बाहर निकलेगा तो r हो जाएगा वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ तो यह हो जाएगा आपका कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r स्क्वायर कमेंट भी आप लोग लिखते रहिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं तब हमें आप लोगों को अब नेक्स्ट बात को देखिए यहां पर आपको दिया हुआ है कि मोड पी वेक्टर प्लस मोड क्यू वेक्टर बराबर भी दिया हुआ है आपको आर तो इसको बाहर जब निकालिएगा तो यह p हो जाएगा या q हो जाएगा या तो मोड r से बाहर निकलेगा तो r हो जाएगा इतना हो जाएगा बल कर दीजिएगा इसको तो हम लोग कहेंगे कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू r स्क्वायर हो जाएगा a प्लस b के होल स्क्वायर आइए अब हो गया कितना r स्क्वायर हो गया तो r स्क्वायर की जगह पर यह मान है पूरा रख तो हम लोग का देखिए मान क्या होगा कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर की जगह पे हम मान रख दीजिए कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq अब देखिए यहां cos थीटा नहीं लिखे हैं जबकि यहां cos थीटा लिखे हैं तो यहां वेक्टर जब रहेगा ना तो यहां cos थीटा लिखाएगा और यदि वेक्टर नहीं है तो cos थीटा नहीं लिखेंगे जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं ना वैसे लिखना होगा अब देखिए हल कीजिए इसको तो p स्क्वायर q स्क्वायर देखिए आपका कट रहा तो cos थीटा बराबर जब निकालिएगा तो 2pq बटा में 2pq हो जाएगा तो 2pq 2pq कट करके आपका 1 हो जाएगा cos में 1 जो है वह 0 डिग्री का मान होता है इसलिए थीटा जो होगा आपका 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा इस ढंग से आप बना लीजिएगा अब इसको आप लोग बनाइए
कि एक पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर बराबर आर स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन फाइंड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर सिर्फ यहां पर हम लोग बदल दिए हैं कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो है वह r स्क्वायर के इक्वल है इतना अगर इतना है तो p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन लिख लीजिए पढ़ने आप लोग फिर से क्वेश्चन देखिए कि यदि p वेक्टर प्लस q वेक्टर बराबर r वेक्टर है तथा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर r स्क्वायर तो p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का कोण आपको निकालना है अभी पहले हम दो क्वेश्चन बनाए हैं उसके आधार पर आप लोगों को इस क्वेश्चन को बना करके और मेरे WhatsApp पर भेजना है हम देखेंगे कि कौन-कौन लड़का बना रहा है और कौन-कौन नहीं बना रहा है इसको बनाना है और वीडियो को भी कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ओके पहले उतारिए क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन आप लोग बना लिए होइएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स of two forces is 16 newton and 4 newton respectively then find numerical value of individual forces numerical value of individual forces देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को हिंदी में भी लिख देते हैं दो बल का दो बल के परिणामी का महत्तम और न्यूनतम मान क्रमशः 60 न्यूटन और 4 न्यूटन है तो उन बलों के मान बताएं तो उन बलों के मान बताएं एक क्वेश्चन है आप लोगों का पहले क्वेश्चन लिखिए इसको
अब देखिए तो थोड़ा सा इस बात को कैसे बनाएंगे। हम कहें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हो तो उनका परिणामी मान होता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, और उसका महत्तम मान आपको ए प्लस बी बताए थे और न्यूनतम मान आपको ए माइनस बी बताए थे। कल का क्लास देखे हुएगा आप लोग। तो महत्तम मान आपको दिया हुआ है 16 न्यूटन और मिनिमम मान दिया हुआ है आपको 4 न्यूटन। कहता है कि इन दोनों बलों का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रॉम क्वेश्चन से हम लोग कहेंगे प्रश्न से फ्रॉम क्वेश्चन कि F1 प्लस F2 ये महत्तम मान हो गया, इसका मान आपको दिया हुआ है 16 न्यूटन के ऊपर, और F1 माइनस F2 यह तो आपका न्यूनतम मान हो गया जो कि दिया हुआ है आपको 4 न्यूटन। अब कहता है कि F1 F2 का मान निकालिए, तो इन दोनों इक्वेशन को आप हल कर दीजिए। तो देखिए F2 बन जाएगा 2F1 बराबर हो जाएगा 16 × 4 = 20 न्यूटन। तो आप F1 बराबर निकालिएगा तो 20/2 बराबर हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, और F1 का मान इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा तो F2 भी निकल जाएगा कि F1 प्लस F2 बराबर आपका है 16 न्यूटन। आपका F2 बराबर हो गया कि 16 - 10 = 6 न्यूटन हो जाएगा। तो आपका देखिए क्या होगा कि F1 जो आया वह आया 10 न्यूटन और F2 का जो मान आया वह आपका आया 6 न्यूटन के इक्वल आया। अब आप लोग इसको बना लीजिए। ओके देखिए इसमें थीटा के मान के लिए कोई जरूरत नहीं है, कारण है बता देते हैं। महत्तम दिया हुआ है न्यूनतम दिया हुआ है, तो महत्तम के लिए आप लोग जानते हैं 0 डिग्री पर होता है और न्यूनतम जानते हैं कि आप लोग 180 डिग्री पर होता है। तो डायरेक्ट आपको महत्तम के लिए F1 प्लस F2 कहेंगे और न्यूनतम के लिए F1 माइनस F2 कहेंगे, और यह आपको दिया हुआ है आपसे F1 और F2 पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। चलिए इसको बनाइए। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ
थ्री फोर्सेस पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर आर रेस्पेक्टिवली ट्वेल्व न्यूटन फाइव न्यूटन एंड थर्टीन न्यूटन देन फाइंड द एंगल बिटवीन एंड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर हिंदी में लिख दीजिए तीन बल पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर के मान क्रमशः 12 न्यूटन 5 न्यूटन और 13 न्यूटन है तो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण निकालें बीच का कोण निकालें पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए इसमें एक बात और जोड़ लीजिएगा पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का कोण मान निकालें जहां पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर आपको आर वेक्टर के दिया हुआ है इंग्लिश में भी जोड़ दीजिएगा वेयर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर आपको दिया हुआ है देखिए कैसे बनाएंगे क्वेश्चन है आपका कि द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री फोर्सेस पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर आर रेस्पेक्टिवली इतना 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 न्यूटन देन फाइंड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर वेयर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर है आर वेक्टर आपको ये क्वेश्चन में जब दिया हुआ है कि चूंकि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू है आपका आर वेक्टर पी का मान आपको दिया हुआ है 12 न्यूटन क्यू का मान दिया हुआ है आपको 5 न्यूटन और आर का मान दिया हुआ है आपको 13 न्यूटन अब आपको पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है पहले जब भी देखिए कि ऐसा प्रश्न में कभी भी दिया हुआ है तो दोनों तरफ ऐसे मैग्नीट्यूड लगा दीजिए मोड लगा दीजिए तब इसका सूत्र लिख लीजिए तो इसका सूत्र हो गया कि रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा हो गया अभी अभी हम कल भी बताए हैं अभी तुरंत भी लिखे हैं और इसका मान आपका आर के बराबर हो गया दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा रूट खत्म हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा का जो मान होगा वह आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा अब आप मान रखिए P का मान आपको दिया हुआ है 12 न्यूटन तो 12 मान 44 हो गया 144 हो गया Q का मान रखिए 5 न्यूटन तो 25 हो गया प्लस 2 गुने P का मान 12 और Q का मान हो गया 5 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर का मान हो गया 13 13 169 हो गया
इसको जोड़िएगा तो 169 हो गया प्लस 12 बचे 60 तो 120 हो गया इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 169 हो गया 169 देखिए कट गया तो आप cos थीटा का जब मान निकालिएगा इधर तो 0 ना हो गया तो 0 बटा में 120 बराबर हो गया 0 और cos में 0 90 डिग्री का मान होता है इसलिए थीटा बराबर आपका हो गया 90 डिग्री इस ढंग से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इसको बना लीजिए आप लोग तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत हो जाएगा तब आप लोग इसको लिख लीजिएगा हो गया तो देखिए इस ढंग से आप लोग जो है क्वेश्चन बनाते रहिए कर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बताए थे नियम बताए थे उस पर हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चन देखा और तब इसके सहारे जो है आप लोग आगे बढ़ते रहिए कल फिर इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास के लिए इतना ही सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि और आप लोग का सब्सक्राइबर बढ़ सके तब जो है लाइव क्लास बहुत अच्छा से चलने लगेगा और कमेंट करना ना भूलिए कि आप लोगों को पढ़ाई कैसी लगती है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो चलिए आज के लिए इतना ही कल अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओके